सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर ऑल गोइंग टू स्टडी सिंटैक्स। अंडर सिंटैक्स आवर टुडेज टॉपिक इज प्रोनाउन। अंडरस्टूड? एज ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, बट Those 10 types of pronouns are not asked. Up to competitive exams, we have seen that 2 types of pronouns are very, very important. Those 2 are personal pronouns and relative pronouns. So today, first of all, we are all going to study personal pronouns. Understood? Personal pronouns means a person who, which, मतलब a word that shows personal thing. As personal pronoun, person से बना हुआ, जैसा कि हम लोगों को पता है person से बना हुआ, ठीक। तो person सबको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 types of person. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट और दे। एज यू आर वॉचिंग एट द बोर्ड एंड सीइंग द चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट आप लोगों के सामने बना हुआ है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में बना सकते हो। और पर्सनल प्रोनाउन के जो केस होते हैं 4 होते हैं, एक नाम नेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। नाम नेटिव केस मींस सब्जेक्ट, जैसे कोई पूछता है कि आई का नाम नेटिव क्या होता है, आई। ऑब्जेक्टिव मी और पोसेसिव जो है माई माइंड, और माई रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है। तो इन्हीं प्रोनाउन का करेक्ट यूज हम लोगों को सीखना है कि किस जगह पर प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग रूल की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो रूल आप लोगों का बनता है वो ये है कि टू बी वर्ब, आप लोगों को पता होगा टू बी वर्ब के बाद प्रोनाउन हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक। जैसे एग्जांपल में है, इट इज मी, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप लोगों से कहा जाएगा इसको करेक्ट कर दो, ठीक ना। तो करेक्ट करने के लिए ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इज रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड। तो जब करेक्ट करने की बात आएगी तो इसका करेक्ट यही बनता है, इट इज आई, ठीक। आप लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मी क्यों आई बन गया, ठीक। तो मी के आई बनने के पीछे जो रीजन है वह यह है कि नियम होता है कि टू बी वर्ब के बाद प्रोनाउन हमेशा नाम नेटिव केस में आता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसीलिए ए आई बन गया, ठीक। कुछ लोगों के समझ नहीं आता है कि टू बी वर्ब क्या है, दिमाग में क्वेश्चन आता है टू बी वर्ब क्या है। तो हमेशा याद रखना कि इसी इज आई एम आर वाज वर को टू बी वर्ब कहा जाता है, लेकिन कब, जब इनके बाद में वर्ब नहीं रहती है तब, ठीक। तो यहां पर इज एम आर वाज वर्ब, जो इज आया टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब के बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, यही कारण है कि आई हो रहा है। और इसकी हिंदी क्या होती, इट इज आई, इट इज आई की हिंदी होती मैं ही तो हूं, ठीक। क्या हिंदी इसकी होती, मैं ही तो हूं। एक रूल होता है कि अगर हिंदी वाक्य में ही तो मिलता है
और टू बी वर्ब होती है, अर्थात मेन वर्ब नहीं होती है, तब ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया जाता है। यही कारण है यहाँ पर जो इट आया है, और वर्ब इट के अकॉर्डिंग आता है, इज हो जाएगा, और इज यहाँ पर टू बी वर्ब के रूप में इसलिए आई हो जाएगा। ठीक जैसे कभी भी आप लोगों को बोलना हो गया कि वह ही तो है, तो इट इज ही, मोहन ही तो है, इट इज मोहन, सोहन ही तो था, इट वाज सोहन। अंडरस्टूड? तो इट से स्टार्ट ऐसे सेंटेंस होते हैं, और टू बी वर्ब रहता है तो टू बी वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसी कारण यहाँ पर आई सब्जेक्ट बन जा रहा है। ठीक ना, तो ये रूल आप लोगों के समझ में आ गया होगा ना। तो अब इसके बाद और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जब आप लोग कॉम्पिटेटिव बुक को उठाते हैं तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस को पाते हैं, तो सबसे पहला रूल तो यही है कि टू बी वर्ब के बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है। और सेकंड रूल आप लोगों का जो बन रहा है वो ये है कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पर देन मिलता है, ठीक, या आप लोगों को एज मिलता है, ठीक, देन मिलता है या एज मिलता है, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे कहा जाए कि ही इज एज गुड एज मी, ठीक, ही इज एज गुड एज मी, तो बहुत लोग इसी तरह से जैसे ट्रांसलेशन भी आता है कि वह उतना अच्छा है जितना कि मैं, ठीक, तो कुछ लोग ही इज एज गुड एज मी लिख करके आते हैं। तो हमेशा याद रखना कि एज के बाद प्रोनाउन नाम नेटिव केस में आता है, नाम नेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो यह सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, सेंटेंस करेक्ट होगा जब मी को हम सब्जेक्ट बना देंगे, और मी का सब्जेक्ट होता है आई, क्या होता है आई, तो इसका करेक्ट यही बन जाएगा ही इज एज गुड एज आई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर वाइजर देन हर, ठीक, ए सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ठीक। अब इस सेंटेंस को भी करेक्ट करने की बात आती है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें देन आया है, ठीक ना, तो देन के बाद में भी प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो इसको करेक्ट करने की बात आएगी तो इसका करेक्ट बनेगा यू आर वाइजर देन सी, हर का सब्जेक्ट होता है सी, ये आपका करेक्ट है, ठीक। इस रूल को फिर से समझ लो कि कहीं पर भी एज और देन के बाद प्रोनाउन आया हुआ मिलता है तब उस प्रोनाउन को देख लेना वो किस केस में है, ठीक। अगर नाम नेटिव केस में नहीं है तो समझ जाइएगा कि सेंटेंस इनकरेक्ट है, और करेक्ट करने के लिए एज और देन के बाद आए हुए प्रोनाउन को हमें सब्जेक्ट का रूप देना होगा, सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा, सब्जेक्ट के रूप में लिख देने से अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये पर्सनल प्रोनाउन का आप लोगों का सेकंड रूल रहा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और किस प्रकार का क्वेश्चन पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है, जैसे आप लोगों को पता होगा प्रीपोजिशन, ठीक, आप लोगों को पता होगा मेन वर्ब, ठीक, तो प्रीपोजिशन से आप लोग परिचित ही होंगे, प्रीपोजिशन, ठीक, और ये फर्स्ट है जान लो, और सेकंड मेन वर्ब, मेन
वर्ब। ठीक, प्री पोजिशन, प्री धन पोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक ना। प्री का मतलब पहले, पोजिशन माने स्थान, जिसका स्थान पहले हो, आप किससे पहले हो, नाउन या प्रोनाउन से पहले हो, ठीक ना। और ये संबंध भी दिखाने का कार्य करता है, इसलिए इसकी हिंदी होती है संबंध सूचक अव्यय। ठीक, तो प्रीपोजिशन के बारे में कोई आप लोगों से पूछता है तो आप लोग उसको संतुष्ट कैसे करोगे, तो आप लोग यही बताएंगे कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है और किसी दूसरे शब्द संज्ञा और सर्वनाम से संबंध दिखाता है उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक, और मेन वर्ब आप लोगों को पता ही है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। तो इस दोनों के अंतर्गत रूल क्या बनना चाह रहा है, रूल यही बनना चाह रहा है कि प्रीपोजिशन और मेन वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक ना। कहीं पर भी प्रीपोजिशन दिख गया उसके तुरंत बाद कोई प्रोनाउन लिखा हुआ है तो वह प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, ठीक, ही ब्रॉट दिस बुक फॉर आई, ठीक, ही ब्रॉट दिस बुक फॉर आई, उसने इस पुस्तक को मेरे लिए लाया। ठीक, अब इस सेंटेंस में हमें एरर फाइंड करना है कि कहां पर एरर है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एरर है। तो जैसा कि रूल ऊपर ही मेंशन कर चुका हूं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। आप लोगों को पता है कि फॉर प्रीपोजिशन है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, फॉर के तुरंत बाद में पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ है। ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के केस में आया है, यही एरर है। ठीक, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के केस में आता है, तो इसको हम लोग आई को जब मी बना देंगे तो अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसको इस तरह से लिखने से कि ही ब्रॉट दिस बुक फॉर मी, तो ये सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा और ये अपना इनकरेक्ट है। अंडरस्टूड। एक एग्जाम्पल इस मेन वर्ब वाला हम लोग देखते हैं। ठीक, मेन वर्ब का जैसे है कि आई कॉल्ड, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, आई कॉल्ड सी एस्टरडे। ठीक, अब इस सेंटेंस को करेक्ट करने की बात आए तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉल्ड मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आ गया है, इसीलिए दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अंडरस्टूड। और करेक्ट कैसे होगा, जब हम कॉल्ड के बाद आए हुए प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, उसके बाद एस्टरडे, हर एस्टरडे। ठीक, तो इसी का हर बना देने से अपना सेंटेंस करेक्ट हो गया और ये जो ये अपना इनकरेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया, सब्जेक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह इस रूल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट रूल अपना बन रहा है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का आता है, जैसे है माई सेल्फ
myself I am going there. ठीक, myself I am going there. Or this sentence is incorrect and is asked to be corrected or find out the error. So where is error in this sentence? This sentence is incorrect, is needed to be corrected. तो रूल क्या है इसमें, इनकरेक्ट क्या है? कुछ लोग सोचेंगे कि स्टार्टिंग का ये शब्द है, इसका यम कैपिटल कर दूं, पंक्चुएशन, ठीक, लेकिन इसको कैपिटल कर देने से अपना सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, ठीक ना? एक करेक्ट होगा कैसे? एक रूल है कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन आया होगा, और रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन कहते किसको हैं, जिसमें सेल्फ लगा रहता है, ठीक, जिसमें सेल्फ लगा रहता है उसी को रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन आया होगा, अकेले होगा, तो समझ जाना ये गलत है, ठीक। एक करेक्ट कैसे होगा, हमको इसी प्रोनाउन का नाम नेटिव केस इसी के ठीक पहले लिखना पड़ेगा। जैसे माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोगों को पता है आई होता है, ठीक। तो यहाँ पर आई माई सेल्फ आई एम गोइंग देयर, ठीक ना। अब स्पोकन वाली बात दूसरी है कि माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन लोग देते हैं, ठीक ना। लेकिन ग्रामर कहता है कि सब्जेक्ट के जगह पर अकेले रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, अगर है तो उससे पहले उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए इसके पहले हम अगर इसका सब्जेक्ट लिख देंगे तो अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, अन्यथा इनकरेक्ट रहेगा, ठीक। तो इसको अगर लिखना ही है तो ऐसे हम लोग आई माई सेल्फ का जो है सब्जेक्ट होता है आई, उसके बाद सेल्फ आई एम गोइंग देयर, ठीक, ये अपना करेक्ट हो गया, ठीक। इस तरह का कभी भी माई सेल्फ हो गया तो आई हो जाएगा, हिमसेल्फ अगर आया है तो ही हो जाएगा, हर सेल्फ है तो शी हो जाएगा, देम सेल्फ्स है तो दे हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि रिफ्लेक्सिव केस का सब्जेक्ट उस रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन के ठीक पहले आ जाता है, यही इसका रूल है, ठीक ना। और किस तरह का क्वेश्चन मिलता है हमको, ठीक ना। तो और इस तरह से जैसे कहीं पर हम लोगों को ना लेट मिल जाए, आप लोगों को पता ही होगा लेट का यूज, ठीक, आप लोग देखते होंगे लेट, ठीक। लेट की मीनिंग आप लोगों को पता है, दो होता है ना। जैसे अभी ट्रांसलेशन आ जाए कि मुझे जाने दो, ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन करने को अगर आ जाए, देख रहे हैं अंत में दो है, ठीक। एक रूल होता है कि अगर दो से ठीक पहले कोई ऐसी वर्ब है जिसके अंत में नानेनी है, ठीक, तो तुरंत समझ जाएंगे कि इस वाक्य का अनुवाद करते समय लेट का यूज होगा। लेट को दो की अंग्रेजी लेट सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए लेट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद लोग आई लिख लेते हैं, लेट आई, और जाने की इंग्लिश गो लिख देते हैं, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ठीक। इसको करेक्ट करने के लिए पूछा जाता है, ठीक। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी आ गया एग्जाम में तो हम लोग किस तरह से करेक्ट करेंगे, इसी चीज को जानना है, ठीक। तो इसका करेक्ट होगा
लेट, और ये जो आई देख रहे हैं आप लोग ना, आई को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। उसके बाद गो, तो ये अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि रूल होता है कि लेट के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के केस में आता है। किसके केस में आता है? ऑब्जेक्ट के केस में आता है। तो यही कारण है कि लेट के बाद मी बना दिया गया। ठीक, अगर मी बना देंगे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अर्थात ऑब्जेक्ट लिख देंगे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, अन्यथा इनकरेक्ट रहेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चंस आप लोगों को कॉम्पिटेटिव बुक्स में, एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउंस से रिलेटेड आप लोगों का नेक्स्ट रूल बन रहा है वह यह है कि प्रोनाउन जो है हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक ना, कहने का मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है कर्ता, वो जिस पर्सन का रहता है और जिस नंबर का रहता है उसी के अकॉर्डिंग आगे सेंटेंस में प्रोनाउन आता है। जैसा कि आप लोग टेंस वगैरह पढ़े होंगे तो वहीं से जानते होंगे कि सब्जेक्ट आई रहता है तो आगे अपने का अंग्रेजी माई लग जाता है। जैसे कहा जाए मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो आई लर्न माई लेसन। ठीक, यू लर्न योर लेसन। ठीक, मोह, ठीक ना, यू के साथ योर, आई के साथ माई, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, ना। तो एक रूल आपका ये भी बनता है। और इस रूल से रिलेटेड जो बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, या जिसे आप लोग कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यह है जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। जैसे बहुत आता है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ठीक, और इसी क्वेश्चन को कहा जाता है करेक्ट कर दो। ठीक, तो इसका करेक्ट क्या होगा? ठीक, तो कुछ लोग समझ नहीं पाते, सोचते कोई किसी को अपना कार्य अवश्य ही करना चाहिए। ठीक, तो लेकिन रूल क्या होता है कि जैसे ये सब्जेक्ट जो है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन आना चाहिए। तो जब वन है, ठीक, तो अपने की अंग्रेजी वंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वंस। अगर यहाँ पर ही होता तब तो हिज करेक्ट रहता, अगर यहाँ पर सी रहता तो हर करेक्ट रहता। ठीक, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर वन है, तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पर वन है तो अपने की अंग्रेजी वंस आएगा। क्या आएगा अपने की इंग्लिश? वंस। ठीक, तो इस तरह का एक क्वेश्चन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट से लेकर कंपटीशन तक एक मिलता है। ठीक, तो अगर वन है तो वंस, ही है तो हिज, सी है तो हर, यू है तो योर, दे है तो दियर, इट है तो इट्स, इस तरह से सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करते हैं। ठीक ना, अब इसके बाद जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, वो इस तरह से हैं कि जैसे दो सब्जेक्ट, ठीक ना, दो सब्जेक्ट अगर अपने एज वेल एज से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, ठीक, या लाइक से जुड़े हों, ठीक, या विद से जुड़े होंगे, ठीक, या एलांग विद से जुड़े होंगे, एलांग विद से, या टूगेदर से जुड़े होंगे, टूगेदर से। ठीक, अगर दो सब्जेक्ट इनमें से किसी से जुड़े होंगे तब उस सेंटेंस में जो वर्ब और जो प्रोनाउन आएगा ना, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे है कि यू, ठीक,
एज वेल एज आई, ठीक, आर या लिख लो, लिख लेते आर, डूइंग माई वर्क, ठीक। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट, एक यू है और एक आई है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? एज वेल एज से। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एज वेल एज हो गया, लाइक हो गया, विद हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, टुगेदर से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तब प्रथम जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसको देखेंगे, यू को देखेंगे। यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, आर लगा भी हुआ है, ठीक। और इसी यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यू के साथ अपने की इंग्लिश योर आता है। क्या आता है? योर। तो यहाँ माई के जगह पर योर लिख देने से अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह चाहे एज वेल एज यहाँ पर हो, चाहे लाइक हो, चाहे जो हो, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते अगर कम समझ में आ रहा हो तो, जैसे शी लाइक हर फ्रेंड्स, शी लाइक हर फ्रेंड्स, ठीक। मान लीजिए आ गया यहाँ पर आर, डूइंग दियर वर्क, ठीक। इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो अगर पूछा जाता है तो किस तरह से करेक्ट करेंगे, जैसे देख रहे हैं कि सी मीन्स वह लाइक हर फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों की तरह अपने कार्य को कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो, एक सी है, एक हर फ्रेंड्स है, दो सब्जेक्ट है, लाइक से जुड़ा हुआ है। तो अगर दो सब्जेक्ट लाइक से जुड़ा है तो फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, इसी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। जैसे सी सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आना चाहिए, सिंगुलर इज, सी के साथ अपने की इंग्लिश हर होना चाहिए, ठीक, तब जा कर के सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये आप लोगों का रूल यही बनता है कि कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि सब्जेक्ट एज वेल एज से, लाइक से, विद से, लॉन्ग विद से, टुगेदर से जुड़ा है, तब फर्स्ट सब्जेक्ट को देखिएगा, उसी के अनुसार आप प्रोनाउन का यूज कीजिएगा, ठीक। और इसके बाद जो नेक्स्ट रूल प्रोनाउन से रिलेटेड बन रहा है, ठीक ना, वो ये है कि मान लीजिए कभी कभी अपने सब्जेक्ट आइदर डॉट डॉट और या नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब करेक्ट करने की बात की जाती है तो जो अभी मैं रूल बताया इसी का जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा रूल आइदर और नाइदर नॉर में अप्लाई होता है, ठीक ना। कैसे उल्टा अप्लाई करने का मतलब, जैसे एज वेल एज से जुड़ा है तो फर्स्ट सब्जेक्ट को देखा जाता है, उसी प्रकार से अगर आइदर और नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ा है तो फर्स्ट सब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे। अर्थात जो और या नॉर के तुरंत बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे। अगर वह सिंगुलर है तो वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, अगर वह प्लूरल है तो वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल आएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब जिस भी पर्सन का होगा, जिस भी नंबर का होगा सेकंड सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, ठीक। तो एक एग्जांपल इस तरह का भी देख लेते हम लोग, जैसे है कि आइदर आइदर यू और ही, आइदर यू आर ही आर डूइंग दियर वर्क, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट आइदर आर
जैसे यू है और ही है ना, दोनों आइदर आर से जुड़े हैं। तो हम लोग ये जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है इसको देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन भी आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ए आर इनकरेक्ट है, इस जगह पर इज का यूज हो जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, ही के साथ इज आता है, तो इस यही कारण है कि यहाँ पर इज हो जाएगा। और ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज आता है, और इसीलिए दियर को हटा करके हिज कर देंगे तो अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस रूल को फिर से देख लो कि अगर दो सब्जेक्ट आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हैं तो उस वाक्य का जो वर्ब है और जो प्रोनाउन है उस सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग इसी तरह से इसको करेक्ट करेंगे, ठीक ना। और आगे इसके बाद जो है प्रोनाउन के और जो शेष रूल्स बने हैं उनके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक। ओके।